@5 आपके साथ मैं हूँ शिल्पा। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करना तो कोई नई बात नहीं, लेकिन अब आपको इस इंतजार के लम्हों को मनोरंजन में बदलने के लिए रेलवे अनूठी पहल कर रहा है। बहुत जल्द आप देश की राजधानी दिल्ली के सभी स्टेशन पर अपने स्मार्टफोन पर वाईफाई के जरिए अनलिमिटेड मूवी देख सकते हैं और गाने भी सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। ये सब कैसे मुमकिन होने वाला है इस रिपोर्ट में देखिए। अक्सर यात्रियों को घंटों रेलवे स्टेशन पर इंतजार करना पड़ता है और जब इंतजार लंबा हो जाए तो यात्री ऊब जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देश के कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर रेलवे अब आपके मनोरंजन का खासा ख्याल रखेगा। दिल्ली के 5 रेलवे स्टेशन पर रेलवे नया सर्वर लगा रहा है, जिससे आपको फ्री वाईफाई मिलेगा और आप गाने, फिल्में और दूसरी मनोरंजन की चीजों का मुफ्त में इस्तेमाल कर सकेंगे। ये स्टेशन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, सराय रोहिला, हजरत निजामुद्दीन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन। रेलवे ने इसके लिए सितंबर की डेडलाइन तय की है और इस पर काम तेजी से चल रहा है। जैसे कि एयरक्राफ्ट के अंदर आप देखते हैं कि जब आप एयरक्राफ्ट की लंबी जर्नी के अंदर बैठे होते हैं तो आपके पास एक्सेस होती है डिफरेंट म्यूजिकल प्रोग्राम्स की, मूवीज की, इंफॉर्मेशन की। सिमिलरली ये वाईफाई हॉटस्पॉट डिवाइस इन 5 स्टेशनों पर जब लग जाएगा तो उसका जो सर्वर है उसके अंदर हज़ारों तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो उसके अंदर रहेंगे, जिनको हमारा रेल यूज़र जिसके पास स्मार्ट फ़ोन है या स्मार्ट डिवाइस है, लाइक लैपटॉप हो या टैबलेट हो, वह उसको उस सिस्टम को एक्सेस कर सकेगा। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आपको अपने डिवाइस पर PNR या टिकट नंबर एंटर करना होगा और इसके बाद आप अनलिमिटेड इंटरनेट का मजा ले सकेंगे। फिलहाल ये सुविधा गतिमान एक्सप्रेस में भी दी जा रही है और रेल यात्री इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। हम आसाम से हैं जी, तो हमको मुंबई की तरफ जाना है, राजधानी पकड़नी है। अभी ये हमारी 10:30 बजे आकर ट्रेन लगी है, वो 4:30 बजे उसका टाइम 4:15 बजे का, तो ये 5-6 घंटे जो है ये बहुत लगते हैं, क्योंकि इस टाइम इंसान के पास ना तो कोई अपने बिजनेस का कारोबार काम कर सकता है, ना कि यहाँ जा सकता है, कन्फाइन हो जाता है बिल्कुल रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पे। तो ऐसी कंडीशन में यही एक बहुत बढ़िया मीडियम है कि आप इंटरटेनमेंट का। हम लोग यूट्यूब में मूवीज़ देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, दैट वुड बी अ रिक्रिएशन फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि बहुत टाइम होता है ट्रेन डिले हो जाता है, हम लोग यहाँ पे बोर होते हैं, सो वी कैन वॉच मूवीज़, गाना सुन सकते हैं, ये बहुत बेनिफिशियल। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन इंतज़ार के दौरान अब आप बहुत जल्द अपने स्मार्टफोन पर अनलिमिटेड मूवीज़ देख सकते हैं, अनलिमिटेड गाने सुन सकते हैं। यात्री सुविधाओं के लिहाज से यकीनन ये एक अच्छा कदम है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि भारतीय रेलवे अगर अपनी ट्रेनों की लेट लतीफ़ी में सुधार करती है तो सुविधाओं का मज़ा 2 गुना हो जाएगा। कैमरामैन धीरेन्द्र साहू के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। समीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, रेलवे स्टेशन पर अब यात्री बोर ना हो इसका पूरा इंतजाम रेल मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है और रिपोर्ट में हमने यात्रियों की प्रतिक्रियाएं भी सुनी, उनका भी यही कहना है कि ये जो कदम उठाया जा रहा है काफी ज्यादा अच्छा है, सभी खुश हैं। जी बिल्कुल, यात्री सुविधा के लिहाज से नॉर्दर्न जोन ने एक अहम कदम उठाया है, जिसमें शुरुआत दिल्ली के 5 स्टेशन से हुई है। दिल्ली के जो तमाम 5 स्टेशन हैं, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, सफदरजंग, निज़ामुद्दीन, यहाँ पर आप स्मार्टफोन पर या स्मार्ट डिवाइस पर अनलिमिटेड गाने सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। ये इस योजना को सितंबर अंत तक लागू किया जाना है और इसको लेकर ट्रायल शुरुआत हो गई है। ट्रायल की प्राइवेट पार्टी को आदेश दे दिए गए हैं कि सर्वर इंस्टॉल करें और इसके ट्रायल भी स्टेशन पर होने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन एक अहम पहलू ये है कि आखिर से रेलवे कमाई कैसे करेगा, उसको लेकर रेलवे ने बिल्कुल वैसा ही खाका तैयार किया है जैसा गतिमान एक्सप्रेस में इस वक्त लागू किया गया है। यानी कि कंटेंट जो कि गाने या मूवीज़ है या फिर इंफॉर्मेशन है रेलवे की, कंटेंट तकरीबन 60-70% होगा, जबकि एडवर्टीजमेंट 30-40% के बीच रहने की उम्मीद जताई जा रही है। 70% कंटेंट और 30% एडवर्टीजमेंट के जरिए रेलवे इसमें कमाई करेगा और ऐसा ही मॉडल रेलवे गतिमान एक्सप्रेस में भी लागू कर चुकी है। और अगर आप दिल्ली से आगरा के बीच में सफ़र करते हैं तो एंटरटेनमेंट के साथ आप एडवर्टीजमेंट के जरिए रेलवे उसको कमाई का भी एक जरिया बना चुकी है और अब ऐसा ही मॉडल दिल्ली के 5 स्टेशन पर इसको लागू किया जाना है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि अगर इसका फ़ायदा यात्रियों को बहुत ज़्यादा होता है, बोरियत दूर होती है और लोगों की तरफ से थम्सअप मिलता है, तो बाकी देश के चुनिंदा स्टेशन पर इसकी शुरुआत होना लगभग
तय है। जी जी, चलिए समीर, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका। अगले साल फरवरी में रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश नहीं होंगे, बल्कि रेल बजट आम बजट का ही एक हिस्सा होगा और इसे आम बजट के साथ ही पेश किया जाएगा। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया का कहना है कि आम बजट में रेल बजट का विलय अगले साल हो सकता है। जी बिजनेस ने जून में आपको इस बात की जानकारी दी थी कि अगले साल रेल बजट का अलग से पेश उसे नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका विलय आम बजट के साथ कर दिया जाएगा। प्रकाश प्रियदर्शी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रेल बजट का आम बजट में ही विलय होगा, अलग से पेश नहीं किया जाएगा, ऐसी नीति आयोग की फिलहाल प्लानिंग है, इसके पीछे प्रकाश क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने आज साफ शब्दों में कहा कि इस बात की उम्मीद है कि अगला जो बजट है उसमें रेल बजट को भी शामिल कर दिया जाएगा, मतलब जो नेक्स्ट बजट होगा, जो नेक्स्ट आम बजट होगा, उसमें रेल बजट को भी मर्ज कर दिया जाएगा। इसकी जो तैयारी है वो लगभग शुरू हो चुकी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इस बात के संकेत दे चुके हैं कि कंसल्टेशन की जो प्रक्रिया है वो रेलवे मंत्रालय से शुरू की जा चुकी है, क्योंकि सिफारिश नीति आयोग ने की है और इस बात की चर्चा जो है काफ़ी समय से की जा रही है कि क्या अब समय आ गया है कि जो रेल बजट है उसको आम बजट के साथ मर्ज की जाए। और जी, वाकई जरूरत आ गई, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका। और ऑटो कंपनियां अपनी लागत और समय बचाने के लिए वाटरवेज का इस्तेमाल कर रही हैं। शिपिंग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि मारुति सुजुकी 12 अगस्त से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, जिसके तहत कंपनी वाराणसी से कोलकाता तक अपनी कारों को नेशनल हाईवे 1 के जरिए भेजेगी। गडकरी के मुताबिक इस बारे में मारुति और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच MOU साइन हो चुका है। गडकरी 12 अगस्त को मारुति की कारें ले जाने वाले जहाज को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले फरवरी में हुंडई की गाड़ियों को चेन्नई पोर्ट से गुजरात के पीपावाव पोर्ट लाया गया था। फिलहाल देश के कुल ट्रांसपोर्ट में वाटरवेज की हिस्सेदारी सिर्फ 3.6% है, जिसे 2018 तक 7% के ऊपर ले जाने का लक्ष्य है। तीन अगस्त को राज्यसभा में पास होने के बाद GST के लिए संविधान संशोधन बिल को आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में दोबारा पेश किया। लोकसभा में इस बिल पर चर्चा चल रही है। इससे पहले मई 2015 में ये लोकसभा से पास हो चुका है, लेकिन 3 अगस्त को राज्यसभा में हुए संशोधनों की वजह से इसे लोकसभा से दोबारा पास कराना जरूरी है। बिल पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ज्यादातर पार्टियां GST को सपोर्ट कर रही हैं और सरकार भी सभी पार्टीज के सुझावों को शामिल करने की कोशिश में है। जेटली ने यह भी कहा कि अगर कोई किसी चीज पर एक बार टैक्स दे देता है तो उसे दोबारा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी वन इंडिया वन टैक्स। आपको बता दें, ये संविधान संशोधन बिल है, इसलिए लोकसभा से पास होने के बाद इसे कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा से पास कराना होगा।